की जाती है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, ये बोली जाए, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं गाड़ी चलाता था। ये आप लोग इसको 5 मिनट बहुत ही आसानी से आप बना लें। मैं आ सकता हूँ, जब भी आप ऐसे बोलते होंगे कि आपसे उम्मीद की जाती है, आप इस समय घर में होंगे, ठीक है, की जाती है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, ये बोली जाए, आपसे उम्मीद, आप वहाँ एडमिशन ले चुके हैं, ये बोली जाए, कारें हैं, ठीक है। ऐसे जब भी आप लोग बोलेंगे, देखेंगे कोई कहीं लिखा है तो समझेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ रिलेशन कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग आसानी से पूछ सकते हैं। आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, सोशल मीडिया। हाय गाइस, वेलकम बैक। हम आपको दोस्तों नेताज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। जब भी आप लोग ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, ये बोल दीजिए, मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं गाड़ी चलाता था। ये आप लोग इसको हम पास्ट में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। जैसे बोल दीजिए, उससे उम्मीद की जाती है कि वह इंग्लिश बोलता है, ठीक है, ये बोल दीजिए, उससे उम्मीद की जाती है कि वह इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता है, ठीक है, ये बोल दीजिए, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं समय पर ऑफिस पहुंचता हूँ, ये बोल दीजिए, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक, ये बोल दीजिए, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं बहुत सारी वोकैब लर्न यानी याद करता हूँ, ये बोल दीजिए, उससे तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम गाड़ी नहीं चलाते हो, ठीक है, ये बोल दीजिए, तुमसे उम्मीद की जाती है तुम स्पीड में गाड़ी नहीं चलाते हो, ऐसे ही बोल सकते हैं। ये बोल जब मतलब इसका देखा जाए तो हम लोग जब भी आप लोग ऐसे बोलें उम्मीद से संबंधित, तो वहाँ पे आप लोग इसका यूज़ करेंगे। तो हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग आसानी से इसके सेंटेंस बनाएंगे और कहाँ कहाँ इसका हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे बोलने में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे आप कहीं पढ़ेंगे तो इसका यूज अक्सर मिलेगा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है उसको हम समझते हैं ताकि आप लोग अच्छे से यूज़ कर सकें। अगर आप नए हैं तो ज़्यादा से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप समझते हैं, देखा जाए तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा है इससे संबंधित। जैसे लिखा है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हिंदी नहीं बोलते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी आपने रूल्स रेगुलेशन बना दिए, एक ग्रुप आपने बना लिया, तैयार कर लिया कि हम लोग आज से प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश ही बोलेंगे, इसके बीच में हिंदी नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब आप बोल देंगे, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हिंदी नहीं बोलते हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए सेंटेंस बोल दिया जाए। इसको हम बनाते हैं कैसे, तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर समझें तो कैसा भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसा भी होगा वैसा लगाएंगे, इसके बाद आपको इज है मार जैसा भी होगा वैसा लगाएंगे, इसके बाद सपोज टू, ठीक है, सपोज टू लगाएंगे, इसके बाद आप लोग वी वन, इसके बाद अदर वर्ड जैसा होगा वैसा लगाएंगे। अब जैसे बोल दिया जाए, इसका हम बना दें, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हिंदी नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बना देंगे, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक हिंदी, ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक हिंदी, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हिंदी नहीं बोलते, ठीक है, दूसरा बोल दीजिए ऐसे ऐसे, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप गाड़ी स्पीड तेज नहीं चलाते, ठीक है, यह बोल दीजिए, उससे उम्मीद की जाती है कि वह वहाँ नहीं जाता, यह बोल दीजिए, उससे उम्मीद की जाती है कि वह उससे बात नहीं करता, यह बोल दीजिए, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वो कैब याद करते हैं, यू आर सपोज टू लर्न वोकैबुलरीज, ठीक, ये हो जाएगा, यू आर सपोज टू लर्न वोकैबुलरीज, ठीक, ऐसे हो जाएगा, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वो कैब याद करते हैं, ठीक, या तो बोल दी जाए, उससे उम्मीद की जाती है कि वह ऑफिस 9 बजे पहुंचता है, ठीक है, तो इसको बना दिया जाए जैसे, ही इज सपोज टू
रिच ऑफिस एट 9 AM। ठीक, ये हो जाएगा। ही इज सपोज टू रिच ऑफिस एट 9 AM, मतलब उससे उम्मीद की जाती है वह 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। ठीक है, दूसरा बोल दीजिए। जैसे उससे उम्मीद की जाती है कि वह एक गाना गाती है। ठीक, सी इज सपोज सपोज टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये हो जाएगा सी इज सपोज टू सिंग ए सॉन्ग। उससे उम्मीद की जाती है कि वह एक गाना गाती है। इस तरह आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे कोई भी इससे संबंधित, जब भी आप लोग सोचेंगे तो बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मेरे सभी लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है इसके संबंधित, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक, तो हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को उसके तक जरूर पहुँचाइए जिसको इस तरह की वीडियो को की सख्त जरूरत है। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका दोस्त अनिल। ज्यादा हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप लोग ऐसे बोलते होंगे कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस समय घर में होंगे, ठीक है, ये बोल दीजिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस समय खेल रहे होंगे, ठीक है, ये बोल दीजिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मूवी देख रहे हैं, ठीक है, ये बोल दीजिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जब भी इस तरह बोलेंगे तो आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है जिसके माध्यम से आप लोग इस तरह के डिफिकल्ट सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बोलता है तो समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर जब नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आपके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। देखा जाए तो इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है आपको, जैसे बोला मैंने, जैसे बोल दी जाए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस समय अपने घर में हैं, ठीक है, ये बोल दीजिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, ठीक, कार चला रहे हैं, कुछ भी, ठीक। इस अब हम बनाते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे बोल दीजिए इसको, उससे उम्मीद की जाती है कि घर में है, ठीक है। तो इस तरह कैसे बोले, सबसे पहले देखा जाए तो सपोज टू वी का यूज हम देखेंगे आज। ठीक, इसका देखा जाए तो हम जब भी यूज करेंगे तो हम इसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, लास्ट में हम वी फोर यानी वर्ब के साथ आईएनजी का करके भी लगा के बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं कुछ, हमने इसका एग्जांपल लिखा है, जैसे उससे उम्मीद की जाती है कि घर में है, इसको बना देते हैं कि इस समय समय घर में है, ठीक है, तो इसको बना देंगे ही इज सपोज टू बी एट होम राइट नाउ। ठीक है, ये हो जाएगा ही इज सपोज टू बी एट होम राइट नाउ। उससे उम्मीद की जाती है कि इस समय घर में है, ठीक है, या हो जाएगा तुमसे उम्मीद की जाती है कि इस समय खेल रहे हो, ठीक है। तो इसको हम बना देंगे सिंपल से, तो इसको बना देंगे यू आर सपोज्ड टू बी प्लेइंग राइट नाउ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका हमने पहले का बना दिया, दूसरे का बना दिया हमने वी फोर लगा के, और पहले का हमने बना दिया ऑब्जेक्ट लगा के। ठीक, तो इस तरह आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे। दूसरा बोल दीजिए, जैसे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, या बोल दी जाए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस समय पढ़ रहे हो, ठीक है, यह बोल दीजिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस समय गाना गा रहे हो, यह बोल दीजिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस समय मूवी देख रहे हो, यह बोल दीजिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस समय सो रहे हो, ठीक है। तो इस तरह जब भी आप बोलेंगे, मैं कुछ और आपकी एग्जाम्पल लिख दूँ, जैसे बोल दीजिए
मुझसे उम्मीद की जाती है। आई एम सपोज्ड टू बी वॉचिंग मूवी, ठीक है ये हो जाएगा। आई एम सपोज टू बी वॉचिंग ए मूवी, ठीक। इस तरह आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। समझ में नहीं आया हो, मेरे सभी लिंक आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को उसके अब तक जरूर पहुँचे जिसको इस तरह की वीडियो की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक। आपको दोस्तों ने जानना पड़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप लोग ऐसे बोलते होंगे कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास एक कार है, ठीक है, जब बोली जाए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहाँ जा चुके हैं, यह बोली जाए आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने वह घर खरीद चुके हैं, आप वह घर खरीद चुके हैं, यह बोल दीजिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, यह बोल दीजिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहाँ एडमिशन ले चुके हैं, ये बोल दी जाए आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास बहुत सारी कारें हैं, ठीक है। ऐसे जब भी आप लोग बोलेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे या कोई कहीं लिखा है तो समझेंगे, तो वहाँ पे कुछ हमारे पास रूल्स रेगुलेशन कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और कोई बोलता है तो समझ सकते हैं। तो हम इसको आज लोग समझ देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सपोज टू हैव का यूज, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपके लिए अगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसको हम समझते हैं। तो अगर जब नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डेली लाते रहते हैं। अब समझते हैं सपोज टू हैव का यूज़। इसका देखा जाए तो हम दो कंसेप्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बनाते हैं, दूसरे में देखेंगे हम V3 लगा के कैसे इसको बनाते हैं आसानी से। कैसे, हमने कुछ दो एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, ये लिखा है। दूसरा लिखा है हमने आपसे उस मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं यह मोबाइल खरीद चुका हूँ, या मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, ठीक है। जब भी आप लोग ऐसे आप लोग जब भी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग सपोज टू हैव का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा सपोज टू हैव यानी ऑब्जेक्ट के साथ हम देखेंगे और V3 के साथ देखेंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल जिसमें समझते हैं, जैसे बना दिया जाए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये हो जाएगा यू आर, इसमें भी यही पे लगेगा डिक्स, सपोज टू हैव ए कार, सॉरी लॉट ऑफ मनी, ये लिखा है बहुत सारा पैसा है। यू आर सपोज टू हैव ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा लिखा है जैसे मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं यह मोबाइल खरीद चुका हूँ, ठीक है। तो अब जब इसको बनाएंगे आप लोग तो आई एम सपोज्ड टू हैव परचेस्ड, यहां पे B3 आ गया, ठीक, दिस मोबाइल, ठीक, ये हो जाएगा आई एम सपोज टू हैव परचेस्ड दिस मोबाइल। इस तरह आप लोग बोलेंगे, ये बोल दीजिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहां पहुंच चुके हैं, ठीक है, ये बोल दीजिए आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप वहां पहुंच चुके थे। आप लोग पास्ट भी बना सकते हैं, प्रेजेंट भी बना सकते हैं, जैसे आप लोग समझें वैसा बना सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल जैसे बोल दिया है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, कुछ भी बोल दिया जाए। ये बोल दिया आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास आपके पास नोटबुक और पेन है, ठीक है, ये बोल दिया जाए। किसी भी तरह से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए। तो आई होप को समझ में आया होगा। मैं कुछ आपको एग्जांपल बोल दूँ तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास एक महंगी कार है,
एक्सपेंसिव कार हो जाएगा, ठीक है। ये बोल दीजिए, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लेटर लिख चुके हैं, ठीक है। ये बोल दीजिए, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उससे मिल चुके हैं, ठीक है। ये बोल दीजिए, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऑफिस पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह बनाएंगे। मैं कुछ आपको एग्जांपल बोल दूँ, जैसे यू आर सपोज्ड टू हैव, इसमें ऑलवेज, इसमें ऑलवेज हमेशा हैव ही आएगा, ठीक। इसमें आएगा, इसमें भी हैव ही आएगा, क्योंकि इसका रूल सी ही है, ठीक है। सपोज टू हैव, ये हो जाएगा रिच्ड ऑफिस, ये हो जाएगा यू आर सपोज टू हैव रिच्ड ऑफिस। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऑफिस पहुंच चुके हैं, ठीक। तो कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मेरे सभी लिंक सोशल मीडिया हैंडल सब मिल जाएंगे, तो आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है इस वीडियो से संबंधित, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो को उसके पास जरूर शेयर कीजिए जिसको इस तरह की वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।